मेरा नाम मोहनदास है। मैं हिमालय की तलहटी में जाना चाहता हूँ, पर कब से घूम फिर के यहीं आकर अटक जाता हूँ। आप मुझे रास्ता दिखाएंगे? हाँ, अंत तक रास्ता दिखाऊंगा। भूले भटके हुओं को सही रास्ता दिखाना, वही तो मेरा काम है। हाँ। बस मेरा साथ मत छोड़ना। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ? ये कमंडलू बहुत सुंदर है। क्या मैं इसे संभाल कर रखूं? हाँ, रख लो। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। मोहनदास जी, आप सब कुछ त्याग कर साधु किस लिए बन गए हो? प्रभु प्राप्ति के लिए, मोक्ष पाने के लिए। भर्तृहरि और गोपी चंद दोनों बड़े राजा थे। हाँ, थे। अपने समग्र साम्राज्यों को त्याग कर वे मोक्ष पाने के लिए निकल पड़े थे, पर अपनी झोलियों को टांगने के लिए एक छोटी सी खूंटी के लिए लड़ पड़े थे। लो बोलो, इसकी रचना बहुत सुंदर है। आपको पता है वर्णी जी, भरत राजा तो समग्र पृथ्वी का राज्य त्याग कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़े थे, पर उन्हें एक हिरण से ऐसा मोह हो गया कि वे मोक्ष मार्ग से विचलित हो गए। ये कमंडलू, इसे तो मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। चौवन जी और सौभरी जी ने उस हद तक तप किया था कि वे देह भाव से परे हो गए थे, पर इतना कुछ करने के बाद भी वे माया के क्षुल्लक सुख में मोहित हो गए थे। लो, उनको भी ऐसा हो गया। बड़ा अजीब है ये माया का चक्कर। हाँ। वैसे आप इसका करोगे क्या? मेरा प्यारा प्यारा कमंडलू, इसमें पानी पीने का मजा ही कुछ और आएगा। इसे संभाल कर रखता हूँ, क्योंकि प्राण जाए पर कमंडलू ना जाए। ये कमंडलू मुझे दे दीजिए। हाँ हाँ, जरूर लीजिए। यहाँ से नदी पार कर लेते हैं। संभल कर बच गया। जरा ध्यान से प्रभु, गिरा मत देना, कमंडलू संभाल लेना। अरे मैं पकड़ लूं? अरे मेरा कमंडलू टूट ना जाए। संभालिएगा। अरे संभल कर क्या कर रहे हो? बच गया। संभल कर। अरे संभल कर। संभालिएगा। मैं नहीं गिरूंगा, चिंता मत कीजिए। अरे कहीं कमंडलू ना गिर जाए, टूट ना जाए। हाँ, ध्यान रखूंगा, और आपके कमंडलू को भी कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पकड़ लूं? हे भगवान, बच गया मेरा कमंडलू। वर्णी जी, आप इसका क्या करोगे? दे दो मुझे, कितना प्यारा है। मोहनदास जी, लाइए मुझे दीजिए। Mm-hmm.
क्या कर दिया आपने? अरे सत्यानाश, इतना सुंदर कमंडलू तोड़ दिया आपने। हाँ, क्योंकि साधु सन्यासी का सत्यानाश तो तब हो जाता है जब उसकी वृत्ति परमात्मा से छूटकर कोई भी छोटी बड़ी माइक वस्तु में लग जाती है, जिसको पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया हो, उस परमात्मा के सिवा और कहीं भी लगाव हो जाए तो साधु जीवन का सत्यानाश। सही कहा आपने नीलकंठ वर्णी, मैं भी भगवान के भजन छोड़कर इस तुच्छ कमंडलू के गीत गाने लगा था। मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, कहीं ना कहीं लगाव हो ही जाता है। तो मेरा मोक्ष कैसे होगा? निराशा से निराकरण नहीं होता, आशा रखिए मोहनदास जी। हाँ, आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करते रहना। मैं बहुत खुश हूँ नीलकंठ वर्णी जी, मैं भगवान को ढूंढने की साधना कर रहा था और आप मुझे मिल गए। कर ले भजन लगातार मनवा, हो आत्म उद्धार। अब बहुत भूख लगी है, मैं भी ये फल खा लेता हूँ। ये फल जहरीले हैं, आप मत खाना। अब तो बहुत भूख लग रही है, और कुछ खाना मिले ना मिले ये फल खाकर काम चला लेते हैं। हाँ भाई, कुछ नहीं तो ये फल ही सही। अरे ये फल मत खाइए, ये जहरीले हैं। हाँ, तुम्हें कैसे पता? इन्होंने बताया। हाँ? पर ये स्वयं तो यही फल खा रहा है, और हम ये खाएंगे तो मर जाएंगे हैं? ऐसी अर्थहीन बातें करने वाला कौन है ये? ये महापुरुष हैं, इनकी बात मानने में भलाई है। ये बच्चा महापुरुष। यदि ये महापुरुष है तो हम तो अति महापुरुष हैं। अरे ये स्वयं भगवान है, वे जो करते हैं वो करने में नहीं, पर वे जो कहते हैं वो करने में ही हमारी भलाई है, समझो। तुझे भूखा रहना है तो रहे, हम तो ये फल खाएंगे। चलो महापुरुषो, ये फल खाओ और भूख मिटाओ। लाओ भाई महापुरुषो, चलो चलो। अब भी कहता हूँ इनकी बात मानो, छोड़ो फिर। तू भी खा ले, ये देख मैंने तो खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये देख मैंने भी खाया, कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं हो रहा है हमें। अभी तो महापुरुष है, आ जा तू भी खा ले। ये क्या हो रहा है? ये अरे ये वर्णी जी की बात सही थी, वर्णी जी की बात सच थी। जो भगवान की नहीं सुनेंगे उनका तो यही हाल होना निश्चित है, पर हाँ इन सबको एक बार तो आपके दर्शन जरूर हुए हैं, तो कभी ना कभी तो उनका कल्याण जरूर होगा। मोहनदास जी, आप मुझे थोड़ा थोड़ा पहचान गए हैं, मुझसे जुड़ भी गए हैं। अभी आप थोड़े समय के लिए यही कहीं किसी तीर्थ स्थान में बस जाइए, समय के चलते पश्चिम दिशा में आपको पुनः मेरा योग होगा और आपका मोक्ष भी होगा। ठीक है वर्णी जी, जैसा आप उचित समझे, मुझ पर अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा। प्रणाम।